देहात को मैंने अपने एक वकील नीरज शुक्ला के संबंध के जानकारी के संबंध में फोन दिनांक 17 अक्टूबर को मिलाया था रात में लगभग 10 बजे। तो उन्होंने छूटते ही उन्होंने कहा कि अपने वकील को इधर हमारे क्षेत्र में घुसने दीजिएगा, नहीं तो 5 किलो चरस के नीचे नहीं लगाता। मैंने उनसे चरस का स्रोत पूछा कि चरस कहाँ से लाते हो, तो थोड़ा संयत होने के बाद उन्होंने कहा कि ये चरस आप बिकवाते हो, आपको ब्रांड बिकवाता है, मैं आपको और आपके क्लाइंट को अगर इधर कहीं दिखाई पड़ गए तो जेल भेज दूँगा। यहाँ तक कि मुझे बद्दी गालियाँ दी, गालियाँ ही नहीं दी बल्कि मुझे जाति पूछते हुए कहा मियाँ चौहान हो, और यहाँ तक चरम आती गई उनकी कि मैं पिस्टल से 14 की 14 गोलियाँ आपके सीने में उतारूँगा, 14 लाशें बिछाऊँगा, और मुझे जानते नहीं हो, मैं चुटिया काट वकील के रूप में फतेहगढ़ में प्रसिद्ध हूँ। मैंने बार बार उनसे कहा कि मैं रिकॉर्डिंग में हूँ, मैं आपकी शिकायत करूंगा, तो उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक की शिकायत करिए, जो कुछ करना यहाँ कर लीजिए, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, और मैं अब नौकरी में ज़्यादा रहने की इच्छुक भी नहीं हूँ। यहाँ तक उन्होंने मुझे धमकी दी और कहा कि अपना घर का पता बताओ, मैं 2 घंटे के अंदर आता हूँ, वहीं तुम्हारे 14 गोलियाँ तुम्हारे पामा जो अनिल कुमार इसी संबंध में इन लोगों ने दिखा दिया साहब को सम्मानित वकील हैं और उन्होंने साथ जो है कुछ आपका किया कार्रवाई उनकी प्रार्थना पत्र लिया गया है, गरीब का सम्मान किया जा रहा है और इसकी प्रारंभिक जांच के लिए उन्होंने छिपा दिखाई आदेश कर दिया है।